देश में जहां एक ओर सीए और एनआरसी को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय द्वारा एससी एसटी और ओबीसी वर्गों पर आरक्षण समाप्त करने को लेकर विरोध तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते सिंगरौली जिले में भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। न्यायालय में एससी एसटी और ओबीसी वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने और सीए एनआरसी लागू करने के विरोध में कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सदस्यों ने कहा कि सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण इस वर्ग के प्रतिनिधित्व संवैधानिक है और इससे संविधान के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जेएसआर टाइम्स के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।